भागवतम ये तो पीछे है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायाम उदीरये नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध अध्याय 63 और श्लोक क्रमांक 25। ज्वर उवाच नमामि त्वानन्ते शक्तिं परेशं सर्वात्मं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान समरोध हेतुं तत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं। ज्वर उवाच नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान समरोध हेतुं यत्तत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं। ज्वर उवाच नमामि त्वानन्त शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान समरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं। माता जी
ज्वर उवाच। शिव ज्वर ने कहा, नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ त्वा, आपको, अनंत अनंत, शक्तिम शक्ति वाले, पर परम, ईशम स्वामी, सर्व सबके, आत्मानम आत्मा, केवलम शुद्ध, ज्ञप्ति चेतना की, मात्रम समग्रता, विश्व ब्रह्मांड की, उत्पत्ति उत्पत्ति, स्थान पालन, संरोध तथा संगार का, हेतुम कारण, यत जो, तत वह, ब्रह्म परम सत्य, ब्रह्म वेदों द्वारा, लिंगम जिसका अप्रत्यक्ष प्रसंग अनुमान, प्रशांतम पूर्णतया शांत। अर्थ और तात्पर्य शिल्पोपात के शिष्यों द्वारा, शिल्पोपात की अर्थ। शिव ज्वर ने कहा, हे अनंत शक्ति वाले, हे समस्त जीवों के परमात्मा भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शुद्ध तथा पूर्ण चेतना से युक्त हैं और इस विराट ब्रह्मांड की सृष्टि पालन तथा संगार के कारण हैं। आप पूर्ण शांत हैं और आप परम सत्य हैं, जिनका समस्त वेद अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हैं। तात्पर्य, इसके पूर्व शिव ज्वर अपने आप को अनंत शक्तिशाली मान रहा था और इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण को जला देना चाहता था, किंतु अब वह स्वयं जल चुका था और यह समझते हुए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, वह विनय पूर्वक परम सत्य रूप उन्हें नमस्कार करने और उनकी स्तुति करने आया। आचार्यों के अनुसार सर्वात्मानम शब्द सूचक है कि श्री कृष्ण परमात्मा है, समस्त जीवों को ही चेतना प्रदान करने वाले हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 15 अध्याय 15 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण करते हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बल देते हैं कि शिव ज्वर ने कई प्रकार से अपने स्वामी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता का अनुभव कर लिया था, इसलिए शिव ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण को अनंत शक्ति परेश तथा शिवजी के भी सर्वात्मा कहकर पुकारा है। केवलम ज्ञप्ति मात्रम शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण शुद्ध सर्वज्ञान से युक्त है। हम अपने सीमित ज्ञान के अनुसार इस जगत में कर्म करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने अनंत ज्ञान से सृजन पालन तथा संहार का असीम कार्य संपन्न करते हैं। जैसा कि श्री जीव गोस्वामी इंगित करते हैं, वायु जैसे स्थूल तत्वों के कार्य भी उन पर आश्रित हैं। इसकी पुष्टि तैत्तरीय उपनिषद 2:8:1 में हुई है, भीषास्माद वातः पवते, उनके डर से वायु बहती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के परम आराध्य हैं। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सागना रघुनाथां वितं तं सजीवम् सा अद्वैतम सा अवधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागना ललिता श्री विशाखान्वितां स नमा। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, वांछा कल्पद रूपस्य कृपा सिंधुभ्य एव च,
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुंडे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसारी नाम करुणाया पुराण गोयंतम व्यासोनु प्रियानु गुरु मुनि नाम। हरे कृष्ण। तो हम सारे भक्तों के आशीर्वाद की कामना करते हैं ताकि इन कुछ श्लोकों पे हम कुछ बोल सकें। तो ये जो चैप्टर है, खासकर ये जो श्लोक है, तो एक महान युद्ध छिड़ा हुआ है कई सालों से बोलेंगे कि तो शायद हजारों सालों से, कि श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण श्रेष्ठ है या फिर शिवजी श्रेष्ठ है। तो उसी का उत्तर हम इन श्लोकों में देख सकते हैं, क्योंकि तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। जैसे पुरुष सुक्त प्रार्थना जो है, शिव के भक्त भी गाते हैं और कृष्ण के भक्त भी गाते हैं या विष्णु भक्त भी गाते हैं, और दोनों के दोनों कहते हैं कि ये शिव भक्त कहते हैं शिव जी के लिए हैं, और विष्णु भक्त कहते हैं कि ये विष्णु भगवान के लिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम में दूसरा स्कंद पांचवा अध्याय, राइट 2.5, उसका नाम है पुरुष सुक्त कन्फर्म्ड, क्योंकि उसके जो श्लोक हैं वो पुरुष सुक्त जैसे ही हैं, और उसमें एकदम स्पष्ट रूप से बताया हुआ कि ये भगवान विष्णु के लिए। तो भक्त लोग, हमारे आचार्य लोग काफ़ी मेहनत करते रहे हैं इस क्षेत्र में ये सिद्ध करने के लिए, कैसे भगवान विष्णु भगवान शिव का भी स्रोत है, यह समझाने के लिए। तो उन्हीं श्लोकों को हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं इन श्लोकों द्वारा, या इस तत्व को समझ सकते हैं। तो 23, 24, 25 तीन श्लोक हमको पढ़ना था, पहले 23 से हम लोग चालू करेंगे। तो शिव ज्वर, तो इसका पहले बैकग्राउंड बताए थे, यहाँ पर बाड़ासुर संग्राम चल रहा था और काफ़ी लोगों के बीच में युद्ध होता है, और अंत में जो एकदम जिसको बोलते हैं क्लाइमैक्स, तो मूवी का क्लाइमैक्स तब होता है जब शिवजी और भगवान कृष्ण आमने सामने आ जाते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे जो शिव भक्त हैं वो उसको क्या करते हैं, वो श्री कृष्णा सीरियल से ही लेते हैं और शिवजी अस्त्र फेंक रहे हैं वहीं पे उसको रोक देते हैं, क्योंकि अंत में वो देखते हैं कैसे कृष्ण भगवान शिवजी को पराजित करते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता देखने में, तो उसको वहीं रोक देते हैं। उसको बड़ा YouTube में अपलोड किया हुआ है एक वक्त लेके आया, पर वो ये क्या है, मैंने कहा ये पूरा वीडियो नहीं है, इसका दूसरा पार्ट भी है, तो पूरा पार्ट नहीं दिखाते। तो ये बाणासुर संग्राम में, तो शिवजी और जब कृष्ण में जब द्वंद्व चल रहा था, तो काफ़ी एक दूसरे पर अस्त्र फेंक रहे थे। जैसे शिवजी जब अग्नि अस्त्र फेंकते हैं, अग्नि फेंकते हैं, तो कृष्ण क्या फेंकते हैं, वरुण अस्त्र, पानी फेंकते हैं आग को बुझाने के लिए। और प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि आजकल के जो एटम बम हैं वो सिर्फ अग्नि अस्त्र हैं, पहले वरुण अस्त्र वायु अस्त्र सारे अस्त्र हुआ करते थे, अभी सुना है कि रसिया ने एक वरुण अस्त्र बनाया है, हाँ वो अभी नया आविष्कार है जिसे सब लोग डरे हुए हैं
कहते वो ऐसा न्यूक्लियर वेपन फेंकते हैं समुद्र के अंदर कि 100-100 मीटर ऊंचे लहरें उठ जाती हैं और जिससे पूरा का पूरा देश ही समाप्त हो सकता है, जो छोटे छोटे देश हैं वो पूरा ही डूब जाएंगे। तो वरुण अस्त्र वगैरह सब चालू किया है अभी तो एक वरुण अस्त्र से ही पूरा विश्व भयभीत है अभी। तो इस तरह से अलग अलग अस्त्र एक दूसरे छोड़ रहे थे। जब शिव जी वायु अस्त्र फेंकते हैं, कृष्ण भगवान पर्वत अस्त्र फेंकते हैं क्योंकि पर्वत से आप वायु को रोक सकते हैं। और अंत में शिव जी, हरे कृष्ण, कुछ लीलाएं चल रही हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण, ये उससे भी बेहतर है, करिए काम नहीं करेगा। हाँ तो 30 नंबर श्लोक। तो इस तरह से अस्त्र फेंकते हैं दोनों के दोनों, शिवजी और कृष्ण। और फिर शिवजी क्या करते हैं, वो शिव ज्वर फेंकते हैं। शिव ज्वर प्रलय की अग्नि को उत्पन्न करता है। तो जब प्रलय आता है तो सूर्य का तापमान कई गुना बढ़ जाता है, 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण सारा का सारा जो जल है पूरे भूमंडल पे वो वाष्पित हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, उसे बादल बनते हैं और फिर वो क्या करता है, बारिश करता है। तो इतनी बार बारिश होती है और इतना ज़्यादा फिर से गर्मी बढ़ती है कि बढ़ते बढ़ते सारे जीव जब मर जाते हैं, कोई बचता नहीं है, तब पृथ्वी और जल मिक्स हो जाते हैं और पृथ्वी गायब हो जाती है और वो जल में चली जाती है। उसके आगे भी चलता है जो प्रलय। और खासकर ये जो शिव ज्वर है ये आता है मृत्यु के समय। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मृत्यु के समय 160 डिग्री टेम्परेचर आता है। तो 105 तक का हमारा अनुभव है उससे ज्यादा नहीं है। तो कहते हैं 107 तक आता है और जब व्यक्ति मर जाता है तो पूर्ण रूप से ठंडा हो जाता है। तो इसलिए शिवजी शिव ज्वर को अपने उनकी जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी उन्होंने हासिल किया था, उस पर बड़ा अभिमान था। और शिव ज्वर आगे जाता है और शिव ज्वर के यहाँ लिखा हुआ है 3 सर थे 3 पैर थे और वो आक्रमण करता है। और उस तरफ से कृष्ण क्या भेजते हैं, नारायण ज्वर भेजते हैं। नारायण ज्वर सब कुछ ठंडा करने वाला है। तो शिव ज्वर सब कुछ गर्म करने वाला है और नारायण ज्वर सब कुछ ठंडा करने वाला है। और फिर आपस में युद्ध होता है। तो इस तरह से 30 नंबर श्लोक। अत नारायण देव तम दृष्ट्वा व्यसृज जज्वरम महेश्वरो वैष्णवश्च युद्धवाते ज्वराभुजौ। तत्पश्चात उस शस्त्र को पास आते देख भगवान नारायण ने अपना निजी ज्वर अस्त्र विष्णु ज्वर छोड़ा। इस तरह शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। तो ये युद्ध कैसे होने लगा, क्योंकि दोनों के दोनों व्यक्ति हैं जिसको बोलते हैं लाइव वेपन्स। तो आज तक ऐसे अस्त्र नहीं बने लाइव वेपन्स, लाइव आदमी को जाना पड़ता है अस्त्र चलाने के लिए। कुछ सुसाइडल लोग होते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स, तो बॉम्ब लेके जाते हैं। ये शक्तिशाली आ गया भी वेपन। हरे कृष्ण।
तो सुसाइड बॉम्बर जाते हैं और बॉम्बिंग करते हैं आजकल, लेकिन ये वो अस्त्र हैं जो अपने आप में जीवित अस्त्र है। तो शिव ज्वर और विष्णु ज्वर में अभी क्या हो जाता है, युद्ध चालू हो जाता है। और जो हमारे आचार्य लोग हैं उस पर टिप्पणी करते हुए बोलते हैं, तो विष्णुचार्य ठाकुर कहते हैं कृष्ण जो अस्त्र फेंकते हैं वो ठंडा बुखार उत्पन्न करता है, शिव ज्वर से टेम्परेचर बढ़ता है और विष्णु ज्वर से क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। और सबको पता है कि अगर शरीर ठंडा पड़ गया उसका मतलब क्या होता है, मतलब टाइटनेस चला गया। जीव गोस्वामी कहते हैं, कहते कहीं कहीं पर इसका अलग श्लोक भी दिया हुआ है, तो उसमें उसके अनुसार कृष्ण अपना एक ये अस्त्र का निर्माण करते हैं जो शिव ज्वर से थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली था। कृष्ण उससे भी ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र बना सकते थे, लेकिन बनाते नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं ताकि थोड़ा आनंद आए, क्योंकि अगर ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं तो आनंद नहीं आता। अभी एक पहलवान का युद्ध कराया जाए एक छोटे से बच्चे के साथ तो मजा नहीं आएगा, जब दो पहलवानों का युद्ध होता है तो मजा आता है, शक्ति समान होनी चाहिए। कृष्ण भी जाके जब कंस के अखाड़े में जाते हैं, कंस से यही कहते हैं, कहते हैं आप मलयुद्ध तो करा रहे हैं लेकिन ये उचित नहीं है, चारुण मुष्टिक सल तोसल ये तो पहाड़ जैसे हैं और हम लोग तो नन्हे नन्हे बालक हैं। कंस कहता है नन्हे बालक नहीं है, अभी आपने जिस हाथी को मारा है उन हाथी के पास 1000 हाथियों की शक्ति थी, कोवल्लपीड, तो अनुचित नहीं है, देखने में अनुचित लग रहा है। तो इस तरह से कृष्ण करते हैं, और कृष्ण को यहां पर देव बोल के संबोधित किया गया है, क्योंकि देव कौन है, जो आनंद लेते हैं, खेलते हैं, जो मनुष्यों के साथ खेलते हैं उनको देवता कहते हैं। और कृष्ण यहां क्या कर रहे हैं, वो शिवजी के साथ खेल रहे हैं, इसलिए कृष्ण को देवो देव देवों का देव कहते हैं। जय श्री श्री नित्य गौरांग की। अर्जुन भी कृष्ण को संबोधित करते हुए कहता है देवो देव जनार्दन, हा आप देवताओं के भी देवता हैं, क्योंकि जो देवता सबके साथ खेलते हैं कृष्ण उनके साथ ही खेलते हैं। अभी पिकनिक मनानी है, हाँ उसी में थोड़ा आनंद लेना है, ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, उनको विमोहित कर देते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला हो जाती है, उनके साथ खेलते हैं। गोवर्धन उठाना है तो उठा सकते थे भाई, बारिश में उठा सकते थे, लेकिन देवराज इंद्र की बेइज्जती करके उठाते हैं। तो इसलिए कृष्ण को जब खेलना होता है तो देवताओं को बीच में ले आते हैं आनंद लेने के लिए, इसलिए उनको देव 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 जनार्दना बोलते हैं। और फिर उसके बाद 24 नंबर श्लोक, माहेश्वरा समाक्रंदन वैष्णवेना बलार्जितः अलब्धा अलब्ध्वा भय मन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः शरणार्थी ऋषि केशाम तुष्टा प्रेतांजलि। विष्णु ज्वर के बल से परास्त शिव ज्वर पीड़ा से चिल्ला उठा, किंतु कहीं आश्रय न पाकर भयभीत हुआ शिव ज्वर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास शरण पाने की आशा से आया, इस तरह वे अपने हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करने लगा। तात्पर्य, जैसे कि श्री विश्वनाथ ठाकुर ने इंगित किया है, यह महत्वपूर्ण बात है कि शिव ज्वर अपने स्वामी शिव जी के पक्ष को छोड़कर सीधे भगवान श्री कृष्ण के शरण लेने गया। यहां पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं शिव ज्वर रोने लगा, अभी वो आग का बना हुआ है तो पता नहीं पानी कैसे निकला होगा, लेकिन निकल आया, उससे उसका भी पानी निकल आया, तो रोने लगा। और वो इतना भयभीत था कि वो यहां वहां देख रहा था, तो पहले शिवजी की ओर देखा, शिवजी भी मुंह लटकाए बैठे हुए थे, बोले हमें अपनी जान बचानी, तुम्हारी कैसे बचाएंगे, क्योंकि विष्णु ज्वर अगर हमको मार के तुमको मार के हमारे पास आ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो शिवजी उनको बचा नहीं पा रहे थे। इसलिए वो क्या करता है,
वो जमीन पर कृष्ण को प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम, और फिर हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करता है, स्तुति करता है। तो ये विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि यही जो चीज है, यही लॉजिक प्रभुपाद जी भी कहते हैं, देते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस लॉजिक है जो शिव भक्त कई बार देते हैं, कहते हैं भगवान राम ने भी तो भगवान शिव की पूजा की थी, रामेश्वरम बनाया था, रामेश्वरम में शिवलिंग का निर्माण किया, उनको रखा वहां पे और उनकी पूजा की। आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान राम शिव जी से बढ़कर हैं, वो तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक में उसका खंडन करते हुए कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई आपका आश्रय ले और आप उसको कहते हैं कि हम आपको अभयदान देते हैं, आपकी मृत्यु नहीं होगी, फिर अगला आदमी आता है वो भी आपका आश्रय लेता है, कहते हम भी आपका आश्रय लेते हैं, और वो हमारा आश्रय लेके पहले आदमी को मार देता है, तो किसी की हिम्मत होगी कि आपसे आपका आश्रय ले? क्योंकि क्या होगा, जो भी आश्रय लेगा उसको हमेशा भय लगा रहेगा कि पता नहीं हमको ही मरवा दे। कोई नया आदमी आता है वो हमारा आश्रय लेता तो हमको ही मरवा देगा। तो इसलिए शिवजी ने ऐसा आश्रय क्यों नहीं दिया, क्योंकि शिवजी आश्रय दे ही नहीं पा रहे थे रावण को। रावण आया, शिवजी का आश्रय लिया, शिवजी ने अभयदान दिया, और भगवान राम आए तो अगर वो भी शिवजी का आश्रय लेके रावण को मार देते हैं जिसने पहले आश्रय लिया था, तो अगला आदमी तो कभी कोई आश्रय लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको भय लगा रहेगा ना कि ये सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी देते हैं, उसी तरह से भगवान राम यहां क्या सिद्ध कर रहे हैं, वो दो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आदर्श गृहस्थ होने के नाते, जो कि खासकर विद गृहस्थ होते हैं, भक्त नहीं होते हैं, उनको देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए, इसलिए भगवान राम वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए शिव जी का की पूजा करते हैं। लेकिन वो ये भी दिखाते हैं कि अगर मैं किसी को मारना चाहता हूं तो उसको कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकता, शिव जी भी सुरक्षा नहीं दे सकते। हम आएंगे, उनके आश्रित व्यक्ति को मारेंगे और थोड़ी पूजा करके चले जाएंगे, उनको भी संतुष्ट करना चाहिए ना, आपके आदमी को मारा है। तो शिव जी रावण को आश्रय दे ही नहीं पा रहे थे, उनको तो मालूम था कि भगवान राम वैसे भी मार देंगे। इसलिए भगवान का एक नाम है देव देव जगतपति, जो अर्जुन उनको कहता है, क्योंकि पति का मेन काम होता है सुरक्षा प्रदान करना पत्नी को। लेकिन इस संसार में जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकता है वो कृष्ण ही है, इसलिए वो कृष्ण को जगतपति कहते हैं, वो पूरे जगत को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जब कृष्ण ये श्लोक बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तो जब वो कहते हैं कि अर्जुन मेरे शरण में आओ, सारे धर्मों का त्याग कर दो, मतलब वर्ण आश्रम जो भी है सबका त्याग कर दो, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है। अर्जुन कहता है कि भगवान आप तो हमको फंसा रहे हैं। कैसे फंसा रहे हैं? आप बोल रहे हैं धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आओ, धर्मों का अगर मैं परित्याग करूंगा तो क्या लगेगा? पाप लगेगा। और अगर मैं धर्मों का परित्याग नहीं करता हूं तो आपकी वाणी का खंडन कर रहा हूं, आपने जो कहा उसकी बात, आपकी बात नहीं मान रहा हूं, तो भी क्या लगेगा? पाप लगेगा। मतलब हमारा नरक में जाना कैसा है? निश्चित है, गारंटेड। तो आप हमको फंसा रहे हैं ये श्लोक बोल के, क्या कि सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। तो फिर उसके बाद कृष्ण क्या बोलते हैं, नहीं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। अर्जुन वो सब छोड़ो, अगर पूरा संसार भी सारे धर्मों को त्याग के मेरे आश्रय लेता है, मैं सबके पापों को हरने की क्षमता रखता हूं। इसलिए कृष्ण को क्या कहा जाता है? जगतपति, क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये अभी शिव ज्वर को समझ में आ गया था, इसलिए वो क्या करता है, रोते रोते पहले शिव जी की ओर देखता है, बोला ये तो फेल हो गए, और फिर कृष्ण की ओर जाके कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है। और जीव गोस्वामी तो और भयंकर वो देते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल किया है
24 नंबर श्लोक में, वो है समाक्रंदन। समाक्रंदन का मतलब है माहेश्वर समाक्रंदन। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसू बह रहा था, चिल्ला चिल्ला के आंसू बह रहा था, अरे बचा लो शिव जी क्या हो गया हम मरने वाले हैं, तो जोर से चिल्ला रहा था। समाक्रंदन का ये मतलब है। और फिर वो क्या होता है, जब विष्णुजर के हाथों एकदम पस्त पड़ जाता है, तब उसको समझ में आता है कहीं से भी अभयदान प्राप्त होने वाला नहीं है। तो उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसी दुर्वासा मुनि की सुदर्शन चक्र के कारण हुई थी। जब दुर्वासा मुनि, हमको एक प्रसंग बताया, वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए राक्षस उत्पन्न करते हैं, तो सुदर्शन पहले राक्षस को मारता है और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भागने लगता है, और दुर्वासा मुनि के देखते हैं वो पीठ जल रही है, समझ में आता है सुदर्शन आ रहा है, तो भागते भागते जाते हैं, पहले गुफा में जाते हैं, जो भागे छुप जाते हैं जाके, फिर देखते हैं यार टेम्परेचर बढ़ रहा है गुफा का, गुफा को ठंडा होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, फिर ध्यान से देखते हैं अरे भाई सुदर्शन आ गया, वहां से भाग के जाते हैं, फिर झरने में जाते हैं, बोले कम से कम यहाँ शीतलता रहेगी, देखा गया झरना तो पूरा गायब हो गया, सुदर्शन ने सब जला दिया, और फिर भागते हुए जाते हैं, तो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे हमारे पास नहीं आओ, ब्रह्म लीला में ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं, हिरण्यकशिपु को मारा था नरसिंहदेव, हमको चेतावनी उन्होंने दी थी कि असुर लोगों को वो नहीं देना आशीर्वाद, हम नहीं दे सकते आश्रय, जाओ यहाँ से। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी कहते हैं हमारे भी बहुत बार कन्फ्यूजन हो चुका है, बहुत बार हमको दंड मिल चुका है, ये भी एक लीला है उसमें से, तो हम आश्रय नहीं दे सकते, भगवान विष्णु हैं उन्हीं का आश्रय लो, हम भी उन्हीं का आश्रय ले रहे हैं, उन्हीं का आश्रय लो। और भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं आम भक्त पर आधीन, हम तो भक्त के आधीन हैं, हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते सुदर्शन से। तो फिर अम्बरीश महाराज के चरणों में का आश्रय लेना पड़ता है, तब जाके वो मुक्त होते हैं। तो वैसे ही हाल किसका हो रहा था यहाँ पे, शिवजोर का हो रहा था। तो वो भी यहाँ वहाँ जाता है, सबसे बोलता है हमको सुरक्षा दीजिए सुरक्षा दीजिए, पर कोई भी उसको बचा नहीं पा रहा था। हाँ, शरणार्थी शरणार्थी बन के बैठा हुआ था, लेकिन अभी क्या होता है, इतना दुख आने के कारण वो क्या बन जाता है, आर्तो अर्तार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर सभा। जब दुख आता है तो भक्ति भाव आने लगता है, उतना मरता क्या ना करता। तो अभी भक्ति भाव जागृत होने के कारण अब हाथ जोड़ के कृष्ण को प्रार्थना करने लगता है। तो भगवान को पहले प्रणाम करता है और फिर वो समझ जाता है कि असली स्वामी कौन है, कृष्ण ही है। और जैसे ही वो प्रणाम करता है, अविद्या का जाल अभी खत्म हो जाता है। क्या थी वो अविद्या, उसको आज के श्लोक में बताया हुआ है। ज्वर वाचा नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानम केवलम ज्ञप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यत्तद् ब्रह्म ब्रह्म लिंगम प्रशांतम। शिव ज्वर ने कहा, हे अनंत शक्ति वाले, हे समस्त जीवों के परमात्मा भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शुद्ध तथा पूर्ण चेतना से युक्त हैं और इस विराट ब्रह्मांड की सृष्टि पालन तथा संहार के कारण हैं। आप पूर्ण शांत हैं और आप परम सत्य हैं, जिनका समस्त वेद अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा चक्र अन्य आचार्यों का भी टिप्पणी पढ़ेंगे और फिर और समझेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, शिवजोर क्या कह रहा है कि आपकी अनंत शक्ति है, आपकी शक्ति मेरे मालिक शिवजी से भी बढ़कर है। तो वो कौन है, परेशा, वो ईश हैं। ईश कौन है, मतलब नियंत्रण करने वाले हैं।
पर आप परेश हैं, आप उनका भी नियंत्रण करने वाले हैं। आप परमात्मा हैं, किसके परमात्मा है? शिव जी के भी आप परमात्मा हैं। साधारण आत्माओं के आत्मा नहीं है परमात्मा, आप शिव जी के भी परमात्मा हैं। केवल ज्ञति मात्रम, आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, माया से आपका कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो शिव जी हैं, शिव जी के अंदर माया की त्रुटियां आ जाती हैं, लेकिन आप सृष्टि करता है, पालन करता है, विध्वंस करता है। जबकि हमारे जो शिव जी हैं वो सिर्फ कौन है? विध्वंस करता है। तो ब्रह्मलिंगम, आप वही हैं जिनको वेद कहते हैं कि यही भगवान है। आप शांत ब्रह्मन हैं और शिव जी भयंकर ब्रह्म है। तो इस तरह से वो बोलता है। तो उसको समझ में क्या आता है? ये समझ में आता है सर्व कारण कारणम। तो जो शिव भक्त हैं, जैसे हम शिव पुराण वगैरह पढ़ते हैं, तो वो लोग भी कई बार गलत नहीं बोलते हैं, वो आंशिक सत्य बोलते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है कि बंगाल में ममता बनर्जी की चलती है, गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलेगा ममता बनर्जी मोदी से भी बढ़कर है, तो वो गलत है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर है, दोनों की शक्तियों में अंतर है। तो चीफ मिनिस्टर हमेशा प्राइम मिनिस्टर का सबॉर्डिनेट होता है, ऊपर नहीं होता है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ देखेंगे तो शिव जी के बारे में गलत नहीं दिया है, जब शिव के जो भक्त है वो क्या कहते हैं, शिव जी कौन है? उत्पत्ति के कारण है, पालन करता है, विध्वंस करता है। तो विध्वंस उनका मेन काम है, लेकिन वो सृष्टि में भी भाग लेते हैं और पालन में भी भाग लेते हैं। कैसे लेते हैं? जब महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं तो उनकी जो दृष्टि है वो काल, कर्म और स्वभाव, इन तीनों चीजों से बनी होती है। काल मतलब है समय, और इसलिए शिव जी का एक नाम है महाकाल, उनको महाकाल कहते हैं। तो अगर आप जाएंगे वहां पे उज्जैन में तो महाकाल का मंदिर है। और कर्म और स्वभाव होते हैं जीवों के। तो जब ये महाविष्णु की दृष्टि, जिसको शिव कहते हैं, वो किसका स्पर्श करती है? प्रधान का स्पर्श करती है। प्रधान कौन है? पार्वती देवी है। तो पार्वती देवी के अंदर कौन आते हैं? जीव आते हैं। तो जीव बच्चे की तरह है, पिता कौन है? शिव। माता कौन है? पार्वती। लेकिन ये दृष्टि किसकी है? ये महाविष्णु की दृष्टि है। इसलिए जो शिव के भक्त हैं वो क्या जानते हैं? वो ये जानते हैं कि शिव और पार्वती सारे बद्ध जीवों के माता पिता हैं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन वो शिव कौन है? वो महाविष्णु की दृष्टि है, वो ये नहीं जानते। वो चीफ मिनिस्टर को जानते हैं पर प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानते, ये दिक्कत है। पालन की बात आती है तो पालनकर्ता भी एक हिसाब से शिव और पार्वती ही है बद्ध जीवों के लिए। अगर हम लोग रिमोट कॉज देखेंगे तो कैसे, इस संसार में जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, चीजें क्रियान्वित होती हैं यहां से वहां तक, वो सब किसके बीच में है? वो अहंकार और भौतिक प्रकृति के बीच में है। और अहंकार के जो स्वामी है, मिथ्याहंकार संसार में जो है, वो है शिव जी। और काल रूप में तो शिव जी हमेशा एक्टिव रहते ही हैं। अगर समय नहीं होगा तो मूवी फोटोग्राफ बन जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। तो काल का काम तो कौन करते हैं? वो शिव जी करते ही हैं। साथ में सारे जो इंटरेक्शन होते हैं वो अहंकार और किसके बीच में होते हैं? भौतिक प्रकृति के बीच में। अगर मान लीजिए अहंकार नहीं होगा तो मेंटेनेंस संसार में होगा ही नहीं। अगर पिता और माता को अहंकार नहीं होगा कि हम माता पिता हैं, तो बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएंगे। मेंटेनेंस कब होता है? जब माता पिता को अहंकार होता है हम कौन है? माता पिता। इसीलिए किसी भी कंपनी में आप जाइए तो पहले पोस्ट मिलती है फिर काम मिलता है। तो पहले पोस्ट मिल जाती है, आप कौन है? आप एनालिस्ट हैं। फिर बोलेंगे क्या एनालाइज करना है,
भक्त लोग भी इसका बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, तो हम लोग को याद है, प्रभु जी को याद होगा, कई लोग जो आईवीएफ से पास आउट है, जब VDW SCW कैंप होता है तो खासकर खड़गपुर में हमारा जो पुराना वॉइस था, किचन बहुत छोटी थी, तो एक बार में सारे आइटम नहीं बन पाते, एक एक करके बांटने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, और इसलिए ऑफरिंग भी बहुत सारी होती है, सुबह से शाम तक बहुत सारी ऑफरिंग होती है, लगभग पूरा दिन ऑफरिंग होती है, और ऑफरिंग के लिए लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक बार सिस्टम क्या बनाया, एक भक्त को पकड़ लिया, उसको बोला आप ऑफरिंग इंचार्ज हैं, और जैसे ही इंचार्ज बोला पूरा चार्ज हो गया, वो बोले प्रोजी मेरे अंडर कौन कौन है, खैर अंडर अभी ढूंढ के देंगे, आप चिंता मत करिए। तो पहले एक दिन पहले बहाना मारता है, प्रोजी ब्रेकफास्ट तो ऑफरिंग किया, अभी हम लंच नहीं करेंगे, हैं कितना ऑफरिंग होता है, 10 बार ऑफरिंग होता है क्या, लेकिन जैसे ही इंचार्ज बनाया पूरा चार्ज। तो एक दिन हो गया, दूसरे दिन बोला कि प्रोजी अभी कोई असिस्टेंट आएगा, आएगा चिंता मत करो, अच्छा टाइम आएगा। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 4-5 दिन बाद उसको समझ में आ गया हमको उल्लू बनाया गया। तो भौतिक प्रकृति भी वैसे ही करती है, वो क्या करती है, अहंकार देती है, और अहंकार और जब भौतिक प्रकृति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पालन भी होता है उसके कारण, और विध्वंस करने वाले भी कौन है, शिव जी है। लेकिन अब जब पालन होता है तो जो अहंकार है, शुद्ध अहंकार किससे आता है, उसके जो अधिष्ठाता देवता है वो है शंकर सन, और जो मिथ्या अहंकार है उसके देवता हैं भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव हमेशा सांपों को अपने गले में और हाथ में डाले रहते हैं शंकरसन को याद करने के लिए, क्योंकि शंकरसन कौन है, वो आदि देवता है, किसके, शुद्ध अहंकार के, चित्त के देवता हैं वसुदेव, अहंकार के हैं शंकरसन, बुद्धि के हैं प्रद्युम्न, और मन के हैं अनिरुद्ध, और ये चारों के चारों जो तत्व हैं वो अंतःकरण में होते हैं, हृदय में, आत्मा परमात्मा के साथ साथ ये जो चार तत्व हैं ये हृदय में होते हैं। तो उस तरह से जो शुद्ध अहंकार है उसके भी देवता कौन है, शंकरसन। तो शिव जी के कौन है, वो रिमोट है, पर ओरिजिनल कौन है, वो शंकरसन है, और शंकरसन के आदि कौन है, कृष्ण ही है, सर्व कारण कारणम। अब जब प्रलय की बात आती है, प्रलय में भी ऐसे ही है, तो कई तरह के प्रलय होते हैं, नित्य नैमित्य इत्यादि, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी के दिन के समय भगवान अनंत या शंकरसन सारे ब्रह्मांडों को अपने फन पे वैसे ही धारण करते हैं जैसे कोई अपने सर पे राई के दानों को धारण करता है, लेकिन वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब ये बद्ध जीव भक्त बनेंगे। एक भक्त आता है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, नहीं लेना है, इंटरेस्ट नहीं है, तो भक्त लोग फॉलो अप करते रहते हैं, लोग भक्त नहीं बनते हैं, और शंकरसन को यहां क्रोध आता रहता है, उनकी आंखें लाल होती रहती हैं, और जब ब्रह्मा जी के दिन का अंत हो जाता है तो क्रोध इतना बढ़ जाता है कंट्रोल में नहीं आता है, इसलिए उनके मुंह से एक अग्नि निकलती है जिसका नाम है शंकरसन। शंकरसन के मुंह से अग्नि निकलती है, शंकरसन कहते हैं, और शंकरसन से फिर रुद्र निकलते हैं, तो फिर वहां पे शिवजी आते हैं, और वो क्या करता है, वो स्वर्ग लोक तक, पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक सारे जितने भी अलग अलग भुवन हैं उनको नाश कर देता है। तो उस तरह से शिवजी कौन है, वो शिवजी श्रृंगार करता है, पर वो किसके मुंह की अग्नि है, शंकरसन के मुंह की अग्नि है। तो शिवजी कौन है, वो सेकेंडरी डिस्ट्रॉयर है, लेकिन मुख्य जो विध्वंस करने वाले वो कौन है, शंकरसन है। तो ये जो भक्ति के कारण जो अविद्या का नाश होता है, किसका, शिवजोर का, वो यही होता है। शिवजर अभी तक सोच रहा था कि शिवजी कौन है, वो सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, विध्वंस करने वाले हैं, उसको ये नहीं पता था कि इन सब के आदि भी कौन है, कृष्ण है। तो भक्ति करने से क्या होता है, अविद्या का नाश होता है, जब अविद्या का नाश होता है तब व्यक्ति को समझ में आता है सर्व कारण कारणम कौन है, कृष्ण है। इसलिए हमारे कई बार भक्त लोग भी भटक जाते हैं,
जीवन में समस्या आती है तो देवताओं का आश्रय लेने लगते हैं, अलग अलग देवताओं का। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये सारे देवी देवता कौन है, ये भगवान के ही एक अंश है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई रोग हुआ है या जीवन में समस्या है तो अन्य किसी देवता के पास जाना पड़ेगा। आप कृष्ण के पास जा रहे हैं मतलब ऑटोमेटिकली वो देवता की शक्ति कृष्ण के अंदर है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मेरी जो भक्ति करता है उसको सांख योग कर्मकांड इत्यादि किसी के भी फल से वंचित नहीं होना पड़ता है। अगर कोई भक्ति कर रहा है उसको अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सारे फल प्राप्त होते हैं। तो एक्स्ट्रा तो कृष्ण भक्ति मिलती है लेकिन बाकी सारे फल भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कृष्ण का के चरणों का आश्रय लेने की ही आवश्यकता है। बल्कि शुद्ध भक्ति करना मिश्रित भक्ति करने से ज्यादा आसान है। कोई दिक्कत है समस्या है जीवन में, क्या करना है, भीड़ बैग उठा के हरे कृष्ण करना है, आसान है ना। लेकिन आप अन्य देखें कर्म कांड इत्यादि बहुत कठिन है। जैसे कई बार लोगों को अल्प मृत्यु हो जाती है तो समय कहते हैं कि आपको महामृत्युंजय का यज्ञ कराना चाहिए। तो आप जब यज्ञ कराते हैं तो अगर उसको डिटेल को आप पढ़ेंगे, उस डिटेल में लिखा हुआ है एक भी मंत्र को पढ़ने में अगर थोड़ी भी त्रुटि हो जाती है तो उसके अंदर ब्रह्म राक्षस प्रवेश कर जाते हैं। तो अगर व्यक्ति मरने वाला नहीं होगा तो भी मर जाएगा, गारंटी उल्टा हो जाता है। तो कर्मकांड में क्या होता है, कर्मकांड जब तक आप पूर्ण रूप से अगर सफलतापूर्वक नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, उल्टा त्रुटि करने पे पाप भी लगता है, दोनों चीजें। और कर्मकांड की दृष्टि से कोई चतुर्मास रखता है, भक्त लोग भी रखते हैं भक्ति की दृष्टि से रखते हैं, लेकिन कर्मकांड की दृष्टि से अगर कोई चतुर्मास रखता है, चार महीने अच्छे से व्रत रखा लेकिन पारण ठीक से नहीं किया, दो परिणाम होने वाले। पहला, चार महीना जो तपस्या करी है आलू शुद्ध और चावल ना राइस खाया है उसका फायदा नहीं मिलने वाला। दूसरा क्या होगा, पारण ठीक से नहीं करने का पाप भी लगेगा। अगर 16 माला जब करने का ऐसा हो जाता एक बार भी सो गया और बस फल नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा, तो भक्त लोग भक्ति छोड़ के चले जाते। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, आधा मंत्र किया तो आधा मंत्र का भी फल मिलेगा। आधे में मंत्र कर रहे हैं प्रभु जी, आधा सो गए कोई बात नहीं, आधा तो किया है ना, तो उसका फल मिलता है। तो भक्ति में और कर्मकांड में ये क्या है, अंतर है, ये भेद है। इसलिए जो भक्ति, जब कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है बहुत आसान है, बहुत रिलैक्सेशन है। कर्मकांड में बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो इसलिए कई बार भक्त लोग बोलते हैं अरे शुद्ध भक्ति करना कितना मुश्किल है प्रभु जी, हम तो शुद्ध भक्त कहां बन सकते हैं। अरे शुद्ध भक्ति करना आसान है, मिश्रित भक्ति करना और कठिन है, और उससे ज्यादा मुश्किल है कर्मकांड योग ये सब करना, ये और भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ तो लगता है कि कुछ किया है तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे ये साक्षात्कार किसको प्राप्त होता है, शिवजोर को प्राप्त होता है। तो इन शब्दों के साथ में हम यहाँ विराम देंगे, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। तो सदाशिव के 60 गुण हैं और शंभू तत्व के 55 गुण हैं। लेकिन सदाशिव तो कहाँ रहते हैं, वो सदाशिव रहते हैं वो आध्यात्मिक जगत में, और सदाशिव का काम है द्वारपाल का काम है। तो द्वारपाल होते हैं ना जो रक्षा करते हैं, उसी तरह से सदाशिव क्या करते हैं, वो आध्यात्मिक जगत की रक्षा करते हैं। और जब वही आध्यात्मिक जगत इस जगत में आता है अलग अलग धाम के रूप में,
तब भी शिव जी रक्षा करते हैं। तो आप वृंदावन में जाएं, चकलेश्वर महादेव अलग शिव जी के मंदिर है, हाँ मायापुर में भी शिव जी के मंदिर है। तो किसी भी धाम में आप जाएंगे वहां पे शिव जी के मंदिर है। पुरी में हमारे पूरा शहरी है भुवनेश्वर का, तो वो शिव जी का किसका काम है, वो सदाशिव का काम है। जो शंभू तत्व का काम है वो है सृष्टि स्थिति और प्रलय, जैसे हमने बताया उसमें कोऑर्डिनेट करना। तो जैसे ही महाविष्णु की जो दृष्टि निकलती है वो कौन सा तत्व बन जाता है, वो शंभू तत्व है। तो शंभू जो तत्व है वो भौतिक प्रकृति के साथ आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन अभी वो अपने पांच गुण प्रदर्शित नहीं कर पाएगा जो आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनका रोल है ही नहीं भौतिक जगत में। तो जो आप डिफरेंसेस हैं पांच गुण के, वो आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन में। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में वो पांच गुण दिए हुए हैं, उनका उनकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, शंभू तत्व। और बाकी तो आपको पता ही है डिफरेंस, जैसे दूध और दही में जो डिफरेंस होता है वो भगवान विष्णु में और शंभू में डिफरेंस है। तो शंभू तत्व अलग है और सदाशिव उनके अंदर 60 गुण है। ये शंभू तत्व की चर्चा हो रही है। नहीं देखिए वो पर्सपेक्टिव है, अगर उसको आप शंभू तत्व की तरह लेंगे तो शंभू तत्व रहेगा, और यदि आप उसको सदाशिव की तरह लेंगे तो सदाशिव रहेगा। जैसे व्रजवासी भी एक बार शिव जी की पूजा करने गए थे, जब वो अजगर ने उनको, सुदर्शन नाम था ना, सुदर्शन नामक जो अजगर था जो नंद महाराज को निगल जाता है, तो वो जो शिव थे वो हमारे विश्वनाथ चौधरी ठाकुर बताते हैं वो शंभू सदाशिव थे, वो शंभू तत्व नहीं थे। उसी तरह से कात्यायनी की जिनकी पूजा गोपियां करती हैं उसको भी विश्वनाथ चौधरी ठाकुर बताते हैं कि वो योग माया है, महामाया नहीं है। वो शंभू तत्व ही होने चाहिए, लेकिन मेन चीज़ जब पूजा करते हैं तो आप किस पर्सपेक्टिव से करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। साधारणता भी हम देखते हैं ना, जब हम लोग भी किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, व्यक्ति किस भाव से इंटरेक्शन करते हैं उसी हिसाब से आदान प्रदान करते हैं। अभी कोई सेल्समैन आया वो भले मुस्कुरा के बोले हरे कृष्णा सर ये वो, हमको पता है वो क्यों आया, वैसे आदान प्रदान करते हैं। कोई रिश्तेदार आता है वो भले मुस्कुरा के हरे कृष्णा बोले, सीधे जाके पीठ में वो मारता है, तमाचा मारता है, अरे कैसे हो, तो भले प्यार से नहीं बोलता, हमको पता है कि हमारा रिश्तेदार है। और आपका बेटा है वाइफ है तो उससे अलग इंटरेक्शन रहता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द वर्शिपर। हाँ एक्चुअली सारे शिव नहीं है, मतलब जनरली शिव होते हैं, लेकिन ये हमने कहीं पढ़ा नहीं, हम बहुत ऑथेंटिकली शायद पढ़ा है लेकिन मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है। तो वो जो पढ़ा हुआ है कि कई लोग जो शिवोहम बोलते हैं, ये शायद उसमें लघु भागवतामृत में मोस्टली जहाँ तक मुझे याद है, तो जो लोग शिवोहम बोलते हैं कई बार जीव तत्वों को वो रुद्र बनने का मौका मिलता है। तो अगर कोई किसी के अंदर बहुत इच्छा है शिव बनने की, तो आप शंभू तत्व तो नहीं बन सकते, क्योंकि जीव के 50 गुण हैं और शंभू के 55 गुण हैं और सदाशिव के तो 60 गुण हैं, लेकिन उनको रुद्र की पदवी मिल जाती है उस समय। तो कुछ जीवों को रुद्र की पदवी मिल सकती है, पर रेयर है, वो रेयर चीज़ है। जैसे जनरली जीव बनता है ब्रह्मा, जब कोई क्वालिफाइड नहीं होता है तब भगवान स्वयं आते हैं। तो उसी तरह से वो जितने जैसे वो रेयर है वैसे जीवों के लिए भी रुद्र बनना रेयर है, पर कुछ लोग बन जाते हैं। कई जगह लिखा है कि कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सारे रुद्रों में मैं शिव हूँ, तो उसका मतलब क्या कि और भी हैं शिव के अलावा, तो वो अपॉर्चुनिटी रहती है, वैकेंसी है। अप्लाई नहीं करना चाहिए ज़्यादा अच्छा काम नहीं है, सिर्फ विध्वंस करने का काम है। हाँ नहीं सदाशिव तो भौतिक जगत में आते ही नहीं है ना, भौतिक जगत के संपर्क में आने से ही उनके गुण घट जाएंगे। तो उनके 60 गुण है, उनका काम कहाँ है, उनका आध्यात्मिक जगत में काम है। ये जन्म मरण तो आपका भी नहीं है,
आपका जन्म मरण है क्या? जीवी तो क्या, जीवी तो पिता के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो जन्म मरण तो अजन्मा तो हम भी है। तो कृष्ण का छोड़ दीजिए, भगवान शिव का छोड़ दीजिए, हम लोग भी अजन्मा ही है। तो उसी तरह से जैसे हम लोग किसी के भी माध्यम से आ सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर्मणा देव नेत्रा, अपने कर्मों के अनुसार, तो उसी तरह से शिव जी भी ब्रह्मा के माध्यम से आ सकते हैं, लेकिन है तो वो शिव है ना, लेकिन वो अपने पांच गोड़ यहाँ प्रदर्शित नहीं करते जब भौतिक जगत में आते हैं, क्योंकि उसका काम है नहीं भौतिक जगत में। जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान राम बांसुरी नहीं बजा सकते, लेकिन अगर वो भगवान राम बांसुरी बजाएंगे तो सारे जो अयोध्या वाले हैं वो शक करने लगेंगे, पता नहीं आज भगवान राम ने क्या खाया, बांसुरी क्यों बजा रहे हैं। तो भगवान राम ही बजा सकते हैं, लेकिन कृष्ण अपने जो चार गुण एक्स्ट्रा हैं उनके पास, 64 गुण हैं, वो वृंदावन में प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ काम है, वैकुंठ में उसका कुछ काम है नहीं, वैसे भक्त है ही नहीं ना। जैसे कोई बहुत मान लीजिए राधा गोविंद महाराज आते हैं, कहते हैं मधुसूदन पू आपसे जैसा दोस्त हमने कभी देखा नहीं है, चलो थोड़ा कबड्डी खेल के आते हैं, आप क्या बोलेंगे? बोले महाराज आप तो हमारे वो हैं, गुरु हैं, हम कैसे खेल सकते हैं आपके साथ। तो वो आ जाता है ना, ऑन रेवरेंस आ जाता है, सम्मान का भाव आ जाता है। तो उसी तरह से अगर भगवान राम कुछ माधुरी लीला करना भी चाहें, साख लीला करना भी चाहें, तो भक्त लोग बेवल्डर हो जाएंगे। तो सेम चीज़ शिव के साथ में, भौतिक जगत में पांच गुण का अगर लेने नहीं, 55 गुड़ी है। गंधरा श्रीमद भागवतम की, शिल्पोपाद की, टैगोर परमानंद जी।